हेलो, आज हम देखेंगे कि प्लांट पॉट से स्नेल्स को कैसे निकालें। जैसे कि आप देख सकते हैं कि इधर कितने सारे स्नेल्स हैं, तो देखते हैं इसकी रेमेडी। तो फर्स्ट मेथड है टर्मरिक। तो हम लेंगे 2 टीस्पून टर्मरिक, जिसमें हम पानी मिलाएंगे। और फिर उसे अच्छे तरह से स्टर कर लेंगे। स्टोर करने के बाद हम उसे अपने प्लांट पॉट में डाल देंगे। कुछ इस तरह से हर एक कॉर्नर तक डालिएगा। सेकंड मेथड है गार्लिक। गार्लिक मतलब लहसुन। तो हम लेंगे लहसुन की 5-6 कलियाँ और उसको अच्छे से क्रश कर लेंगे कुछ इस तरह से। और फिर हम उसमें पानी मिलाएंगे। पानी मिलाने के बाद आप उसे 24 आवर्स तक रख सकते हैं बेस्ट रिजल्ट्स के लिए। स्टिर कर लेंगे। अब हम इसे स्ट्रेन कर लेंगे। तो हमारा मिक्सचर रेडी है और वो कुछ इस तरह से दिखता है। और फिर हम उसे प्लांट में डाल देंगे। थर्ड मेथड है कॉफ़ी। कॉफ़ी तो सबके घर में होती ही है। तो हम लेंगे 2 टीस्पून कॉफ़ी, जिसमें हम पानी मिलाएंगे और अच्छी तरह से स्टर कर लेंगे। स्टर करने के बाद ये कुछ इस तरह से दिखता है। अब हम उसे अपने प्लांट को दे देंगे। नेक्स्ट ये आप देख सकते हैं कि हमारे प्लांट पॉट में एक भी स्नेल नहीं है। एक पीस में नहीं है, ये 100% वर्क करता है। तो अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया होगा तो लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट करिए और सबसे इम्पॉर्टेंट सब्सक्राइब करिएगा। थैंक यू।